आपको बता दें कि वैशाखी पर्व पर तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के पाईबाग गुरुद्वारे में माथा टेका और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने समाज के लोगों से आग्रह किया कि वे एकजुट होकर गरीब लोगों को भी साथ लेकर चले, जिससे समाज में समरसता बनी रहे। इस अवसर पर मनोनीत पार्षद विजेंद्र चीमा सहित सिख समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पर्व है, मैं इसके माध्यम से आज उनको भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि सब लोग हम सब मिलकर के, सभी धर्म जातियों के लोग मिलकर के 3600 कौम जो एकजुट होकर के इस देश प्रदेश को आगे बढ़ाएं और सामाजिक समरसता आज सबसे मुख्य चुनौती है।